गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं जीएसटी के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि जीएसटी के अंदर कैंसलेशन से रिलेटेड है। जी हां फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जीएसटी के अंदर ऐसे कौन कौन से चीजें हैं जो कि आपको बहुत ही जरूरी है समझना, नहीं तो इसकी वजह से आपका जीएसटी नंबर जो है उसको कैंसिल किया जा सकता है। और कई लोगों का जीएसटी नंबर जो है कैंसिल कर दिया गया है इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से। तो क्या क्या ऐसे गलतियां हैं जो कि हम लोगों को नहीं करना है जीएसटी के अंदर, ताकि हमारा जीएसटी नंबर जो है वो एक्टिवेटेड मोड में रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, ताकि अगर आप भी ऐसी कोई गलती कर रहे हैं तो वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाए कि हमें इन गलतियों से बचना है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, जीएसटी में इन गलतियों से होता है जीएसटीन कैंसिल। ये जो मैं आपको बताने वाला हूं आज, इसके अंदर जीएसटी एक्ट में कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं जिसकी वजह से जीएसटी नंबर कैंसिल किया जाता है। क्या क्या ऐसे प्रोविजंस हैं, क्या क्या ऐसे नियम हैं जिसकी वजह से ये काम किए जाते हैं। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैंने ओपन किया हुआ है सेक्शन 29 जो बात करता है कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की। इसका सब सेक्शन 2 क्या कहता है, ये कहता है द प्रॉपर ऑफिसर मे कैंसल द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पर्सन फ्रॉम सच डेट इंक्लूडिंग एनी रिट्रोस्पेक्टिव डेट एज ही मे डीम फिट। द प्रॉपर ऑफिसर मतलब जो आपका जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर है वो आपके जीएसटी नंबर को कैंसिल कर सकता है जिस दिन से वो चाहे, उस दिन से या फिर बैक डेट से जा करके भी वो कैंसिल आपका जीएसटी को कर सकता है। लेकिन कब कर सकता है, क्या क्या सिचुएशंस हैं। सबसे पहला सिचुएशन है अ रजिस्टर्ड पर्सन हैज कॉन्ट्रावेंड सच प्रोविजंस ऑफ द एक्ट और द रूल्स मेड देयर अंडर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। अगर कोई एक रजिस्टर्ड पर्सन है और वो रजिस्टर्ड पर्सन जीएसटी के एक्ट के प्रोविजंस या फिर जीएसटी के रूल्स के प्रोविजंस का उल्लंघन करते हैं, कौन कौन से प्रोविजंस, कौन कौन से रूल्स, वो अलग से स्पेसिफाई किया गया है। एक बार हम लोग देखते हैं कि वो रूल्स कौन कौन से हैं। इसके लिए मैं अगर आपको दिखाऊं तो रूल 21 रजिस्ट्रेशन टू बी कैंसल्ड इन सर्टेन केसेस, रजिस्ट्रेशन इन केसेस के लिए मैं जीएसटी नंबर जो है वो कैंसिल हो सकता है। द रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड टू अ पर्सन इज लाइबल टू बी कैंसल्ड। जो आपको जीएसटी नंबर दिया गया वो लाइबल है कैंसिलेशन के लिए कब, इफ द सेड पर्सन अगर आपने डज नॉट कंडक्ट एनी बिजनेस फ्रॉम द डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन लेते हैं और उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में जो भी आपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर किया हुआ है, उस प्लेस ऑफ बिजनेस से बिजनेस को कैरी ऑन नहीं करते और किसी थर्ड प्लेस से बिजनेस को रन कर रहे हैं, इस सिचुएशन में डिपार्टमेंट ऑफिसर्स जो है आपका जीएसटी नंबर कैंसिल कर सकता है, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के अकॉर्डिंगली जो डिटेल्स आपका है बिजनेस का, वहां से आप बिजनेस कैरी ऑन नहीं कर रहे, इसीलिए उसको इलीगल मानते हुए उसको कैंसिल किया जा सकता है। इसीलिए इस चीज का ध्यान रखें कि जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में एड्रेस दिया गया है उस एड्रेस से ही अपना बिजनेस को कंडक्ट करें। दूसरा है इश्यूज इनवॉइस और बिल विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन वायोलेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और द रूल्स मेड देयर अंडर। मतलब आप जो है इनवॉइस इशू कर रहे हैं या फिर बिल कर रहे हैं, बिल ऑफ सप्लाई विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स, कहने का मतलब है कि आपने ना तो कोई गुड्स सप्लाई करी है ना ही कोई सर्विसेज प्रोवाइड करी है, सिर्फ और सिर्फ पेपर एंट्रीज लेने के लिए डॉक्यूमेंट्स इशू कर रहे हैं। मतलब आप टैक्स इनवॉइस इशू करते हैं या बिल ऑफ सप्लाई इशू करते हैं और वो जो इश्यूएंस है वो इन वायोलेशन ऑफ जीएसटी प्रोविजंस एंड जीएसटी रूल्स रहता है, इस सिचुएशन में भी आपका जीएसटी नंबर कैंसल किया जा सकता है डिपार्टमेंट के तरफ से। तो फेक इनवॉइसेस इशू ना करें ताकि आपका जीएसटी नंबर जो है वो बचा रहे, क्योंकि एक बार जीएसटी नंबर कैंसिल हो जाता है उसके बाद काफी ज्यादा परेशानी आती है उसको दोबारा से रेस्टोर करने में। तीसरा है वायोलेट्स द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 171 ऑफ द एक्ट और द रूल्स
मेड देयर अंडर, मतलब अगर आप एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी के जो प्रोविजंस हैं उसको अगर आप वायोलेट करते हैं तो भी आपका जीएसटी नंबर जो है उसको कैंसिल किया जा सकता है। उसके बाद लास्ट पॉइंट इसमें है, वायोलेट्स द प्रोविजंस ऑफ रूल 10 कैपिटल ए। ये काफी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ ये रूल 10 कैपिटल ए किस चीज की बात करता है जिसकी वजह से आपका जीएसटी नंबर जो है वो कैंसिल हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफी छोटी सी गलती है लेकिन इसमें काफी लोग जो है परेशान हो जाएंगे। उसके अंदर दिया गया फर्निशिंग ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल्स। जी हाँ फ्रेंड्स, जब आप अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते हैं, अभी का सिचुएशन ये है कि जब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते हैं तो एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन आपको अपना बैंक डिटेल्स डालने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जैसे ही आपका जीएसटी नंबर अप्रूवल आता है, अलॉट किया जाता है, आप जब फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हैं तो आपके सामने पॉपअप विंडो ओपन होता है। उस पॉपअप विंडो में ये बताया जाता है कि आप अपना बैंक डिटेल्स जो है उसे अपडेट करें। अगर आप वो बैंक डिटेल्स अपडेट नहीं करेंगे तो भी आपका जीएसटी नंबर जो आपको दिया गया है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके लिए टाइम लिमिट दी गई है रूल 10 कैपिटल ए के अंदर 45 डेज की। यहां बताया गया है, आफ्टर अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन REG6 हैज बीन मेड अवेलेबल ऑन द कॉमन पोर्टल एंड अ जीएसटी नंबर हैज बीन असाइंड, द रजिस्टर्ड पर्सन एक्सेप्ट दोज हु हैव बीन ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन अंडर रूल 12 और एज द केस मे बी अंडर रूल 16 शेल एज सून एज मे बी बट नॉट लेटर देन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन और द डेट ऑन विच द रिटर्न रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 39 इज ड्यू टू बी फर्निश्ड विच एवर इज अर्लियर फर्निश इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू द डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट और एनी अदर इंफॉर्मेशन एज मे बी रिक्वायर्ड ऑन द कॉमन पोर्टल। मतलब जिस दिन आपका नंबर आया या जिस दिन आपकी रिटर्न भरने की डेट है, दोनों में से जो डेट अर्लियर है उस डेट के 45 दिन के अंदर आप अपना बैंक डिटेल्स जो है उसे अपडेट कर दीजिए ताकि आपका जीएसटी नंबर जो है सुरक्षित रहे। ये हो गया हमारे पास कि रजिस्टर्ड पर्सन हैज कॉन्ट्रावेंड सच प्रोविजंस। अब अगला जो स्पेसिफिक चीजें यहां बताई गई, अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 10 हैज नॉट फर्निश्ड रिटर्न्स फॉर 3 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड्स। अगर आप कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर हैं तो अगर आपने पिछले 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स की रिटर्न नहीं भरी है तो आपका जीएसटी नंबर जो है उसको कैंसिल किया जा सकता है। इसीलिए आप अपना जीएसटी नंबर का एक्टिवेट रखने के लिए रिटर्नों को समय पे फाइल करते रहें। एनी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन अ पर्सन स्पेसिफाइड इन क्लॉज बी हैज नॉट फर्निश्ड रिटर्न्स फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। अगर आप कंपोजिशन टैक्स पेयर नहीं है, आप एक रेगुलर टैक्स पेयर हैं और आपने अपनी 6 महीने की रिटर्न कंसेक्यूटिवली नहीं भरी है तो भी आपका जीएसटी नंबर जो है कैंसिल किया जा सकता है। और ये ही सबसे बड़ा कारण है आज के डेट में जीएसटी नंबर को कैंसिल करने के लिए। एनी पर्सन हु हैज टेकन वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 25 हैज नॉट कमेंस बिजनेस विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन तो ले लेते हैं, वॉलंटरली नंबर लेते हैं, आप लाइबल नहीं है रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, लेकिन आप वॉलंटरी नंबर लेने के बाद 6 महीने के अंदर अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं करते हैं तो आपका जीएसटी नंबर जो है उसको कैंसिल किया जा सकता है। क्योंकि डिपार्टमेंट ये चाहता है कि जीएसटी नंबर वो बंदा लेकर के रखे जो एक्टिवली इंगेज करे अपने आप को बिजनेस में और कंप्लाई करे लॉज के साथ। रजिस्ट्रेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय मीन्स ऑफ फ्रॉड विलफुल स्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स। आपने जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया वो लिया है बाय मीन्स ऑफ फ्रॉड, गलत नियत से लिया है या गलत तरीके से या फिर मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हुए अगर आपने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लिया है तब भी आपका जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको कैंसिल किया जा सकता है। प्रोवाइडेड दैट द प्रॉपर ऑफिसर शैल नॉट कैंसिल द रजिस्ट्रेशन विदाउट गिविंग द पर्सन एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड। लेकिन कभी भी जीएसटी नंबर कैंसिल होगा तो सबसे पहले आपको एक नोटिस इशू किया जाएगा। नोटिस में यह बताया जाएगा कि आपकी ये गलती है, आपका जीएसटी नंबर क्यों ना कैंसिल किया जाए। अगर आप उस नोटिस का सेटिस्फैक्टरीली जवाब दे देते हैं, जो उसके अंदर रीजंस बताया गया है उसको जस्टिफाई कर देते हैं तो आपका जीएसटी नंबर जो है उसको कैंसिल नहीं किया जाएगा, जो भी आपके केस के अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स बनाई गई है उसको ड्रॉप किया जाएगा। तो
तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है जीएसटी नंबर को सेफ रखने के लिए। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा और ये वीडियो पसंद भी आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि अगर आपका जीएसटी नंबर कैंसिल होता है तो उसको बचाने के लिए आपको कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं, ताकि आगे चल के आपको परेशानी ना आए। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। अगर आपको जीएसटी से रिलेटेड कोई क्वेरीज है तो आप हमारी पेड मेंबरशिप की सर्विसेज ले सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप उसमें संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।